सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में उपकोशल के आख्यान से हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो भौतिक अग्नियां हैं या कोई भी भौतिक पदार्थ है, भागवत शक्ति है, वो किस तरह से हमें एक मौन वाणी में हमें उपदेश देती है, और कैसे कैसे व्यक्ति कई बार अपने गुरुजनों के भावों को और उनके अभिप्राय को जब नहीं समझ पाता है तो कई बार उसको उल्टा भ्रम हो जाता है। जैसे कि उपकोशल को हो गया था, तो जब उनके 12 वर्ष तक सेवा करने पर, अग्नियों की सेवा करने पर भी उनके आचार्य ने उनको कोई उपदेश नहीं दिया, उनका समावर्तन नहीं किया, उनको घर नहीं भेजा, बाकी सबको समावर्तन संस्कार करके सेवा के लिए भेज दिया, इनको नहीं भेजा, तो उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक तरह से अनशन शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। तो कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में भी कि हम कई बार अपने गुरुजनों के अभिप्राय को वो हमें तराशना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस ब्रह्मचारी के अंदर या इस सन्यासी के अंदर शक्तियां तो हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा तप की भट्टी से गुजारें तो ये कुंदन बन जाएगा। तो ऐसा सोच करके कई बार वो हमें स्थूल रूप से हमें ऐसे लगता है कि हमें कष्ट देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका भाव जो है उसको हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही उपकोशल भी समझ नहीं पाए उसको, और उन्होंने सोचा कि मेरे आचार्य, तो आचार्य पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हैं और ये ब्रह्मचारी जो है 12 साल से इसने अपने आप को तपाया है और ये इसने बहुत कुशलता से सेवा की है यहाँ आश्रम में, गुरुकुल में रह करके, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अग्नियां हमें ही शाप दे दें, तो आप इसको उपदेश दे दीजिए। सबको आपने उपदेश दे दिया और वो बिना सुने ही उसकी बात प्रवास पे चले गए। तो ब्रह्मचारी को और भी बुरा लगा कि इनके कहने के बावजूद भी मेरे आचार्य ने मुझे उपदेश नहीं दिया और वो प्रवास पे चले गए। तो उसने अनशन कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर अग्नियों ने ही उसको उपदेश देना शुरू किया। तो ये वाला प्रसंग हम पढ़ रहे थे, तो इसमें कल के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम प्रणाम दीदी जी। जी, यहाँ पर दसवां खंड के पहले मंत्र में आया है समावर्तन। समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तन है जब शिक्षा और दीक्षा दोनों पूरी हो गए तो अब गुरु उनको समाज की सेवा के लिए भेज देते हैं। तो वो दो दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक तो सीधा ब्रह्मचर्य से फिर सन्यास दीक्षा ले लेते हैं, बाकी के दो छोड़ देते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है। और दूसरे प्रकार के वो होते हैं जो उन दो आश्रमों में से भी होकर के फिर आएंगे सन्यास में, तो उनको विवाह संस्कार की अनुमति खुद गुरु देते हैं, और फिर उनको कैसे रहना है वहाँ समाज में, जो पिछला समाज वहाँ चल रहा है उसी का एक हिस्सा बन के नहीं रहना है, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्ति बन के रहना है, समाज को भी एक दिशा देने वाला बन कर के रहना है। तो वहाँ फिर एक दीक्षांत भाषण होता है जो उसमें ऐतिरीय उपनिषद में आया है ना। आजकल तो जो दीक्षांत समारोह होता है उसमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, वो नाच गान करके, पार्टी करके, समोसे चाय पी के खा करके वो चले जाते हैं सब,
उस समय ऐसा नहीं था, तो उसमें आपको कैसे वहां बरतना है, जो आपके वहां बड़े होंगे उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज के साथ कैसे करना है, और गुरुकुल में रहते आपने भिक्षा का अन्न खाया है, तो भिक्षा का अन्न का मतलब है समाज का ऋण है हमारे ऊपर, आपने समाज का खाया है, इसलिए उनकी सेवा करना कोई उन पे एहसान करना नहीं है, बल्कि अपने ऊपर जो ऋण है उससे उऋण होने के लिए वो सेवा वहां पे करनी है। लेकिन सेवा करते समय भी जो मुख्य बात है वो वहां पर है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, वो हर एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक टैग लाइन है वहां पे कि स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना, क्योंकि ये दो ऐसे साधन हैं जो हमें नीचे गिरने से बचाते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब है कि यहाँ पर जो आप आत्मचिंतन करते रहे गुरुकुल में रहते हुए, समाधि लगाते रहे, अपनी इंद्रियों को वश में करते रहे, तो ये अभ्यास आपका जारी रहे, और इसको जारी रखने के लिए जो ऋषियों के ग्रंथ हैं या गायत्री आदि का जाप है वो आपकी रक्षा करेगा। तो थोड़ा उनको पढ़ते भी रहना और ध्यान उपासना समाधि आदि ये करते रहना, ये है स्वाध्याय। और दूसरा है प्रवचन। तो केवल मैं ऐसा रहूं और आपके आसपास सारे लोग उल्टे पलटे रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कुछ भी, तो क्लेश होता रहेगा जीवन में, वो उधर खींचेंगे, आपकी चेतना उधर जाएगी नहीं, आप इधर चढ़ना चाहेंगे तो रस्सा कस्सी रहेगी। तो इसलिए जो आपने पाया है उसका दूसरों को भी बताना, अपने जीवन से बताया जाता है एक तो, और एक होता है शब्द से भी बताना, तो उसको कहा प्रवचन। तो इस तरह के भी अनुष्ठान वहां करते रहना। और दूसरा लाभ ये होगा कि जो आपने पढ़ा है उसका लाभ समाज को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो सेल्फ रियलाइजेशन के साथ कलेक्टिव रियलाइजेशन वाली है। खुद आर्य बनो औरों को भी बनाओ, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी है हमारी संस्कृति, सबको वो सुख देना। तो आपको केवल आत्म केंद्रित, उस रूप में आत्म केंद्रित होके नहीं रहना है। आत्म केंद्रित के दो अर्थ हैं। आत्म केंद्रित का मतलब है अपने आप से ही सारी खुशियां व्यक्ति चाहे बाहर से ना चाहे, और अपनी प्रसन्नता, अपनी आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान, आत्म प्रसन्नता इसमें रहे, तो ये तो अच्छा अर्थ है। और दूसरा है जो उसका सेल्फिश का ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो निंदार्थ में है। तो आप केवल सेल्फिश जैसे होके मत रहना कि भाई मैं तो गुरुकुल से पढ़ के आया हूँ, मुझे तो सारा ज्ञान है, मैं वैसे जी भी रहा हूँ, पड़ोसी यदि शराबी खराबी कबाबी है, उल्टे रास्ते पे जा रहा है, रोगी भी है, तो मुझे इससे क्या, जैसा कर रहा है वैसा अपना भुगतेगा। तो ये मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वो प्रसाद रूप में जाके सबको बांटना, जो गुरु से मिला है वो क्या है, प्रसाद है। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है या तीर्थ स्थान पे कोई प्रसाद लाते हैं लोग, तीर्थों में जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, चार धाम जाते हैं, तो वहां से कुछ प्रसाद लाते हैं और फिर घर में जाके पूरा खुद नहीं खाते उसको, पूरे मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में सब में थोड़ा थोड़ा बांटते हैं कि ये वहां का प्रसाद है। प्रसाद मतलब क्या, वहां से जो हम चेतना लेके आए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये होता है प्रसाद। तो आप गुरुकुल में से गुरु का प्रसाद लेकर के जा रहे हो तो ये वहां जाके सब लोगों में बांटना प्रसाद के रूप में। तो ऐसे गुरु उसको बताते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, और जो कुछ यहाँ अच्छा देखा हमारे चरित्र में उसको ही लेके जाना। कुछ भी आपने अगर यहाँ ऐसा देखा हो हमारे चरित्र में जो आपको पसंद नहीं है तो उसको यहीं छोड़ जाना। वो लंबा चौड़ा एक उपदेश है, उसको समावर्तन कहते हैं, इसी में उपनिषद में शिक्षावल्ली वाला जो भाग है। हाँ जी, और जी दीदी जैसे कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर जी हाँ, तो लेकिन हमारे जो पुराण है तो उनमें तो कहीं कहीं मिलता है कि वो रावण ने तपस्या की तो उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए, तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं,
तो क्या है, सच है या? वेद में एक वो तो मिलता है, अश्ना विरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभो स्वयं भो यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शास्वतीभ्य समाभ्य और न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये भी मंत्र आया है। तो वेद में ये प्रमाण तो मिले हैं। इस मंत्र में जो कहा जा रहा है ना, अश्ना विरम अशुद्धम अपाप विद्धम, नस नाड़ियों से रहित है, तो नस नाड़ी से रहित है इसका मतलब फिर इस शरीर में नहीं समा पाएगा वो। तो ये जो साधक कहते हैं, ये मैं अपना व्यू दे रही हूं, मुझे जो लगता है वो बता रही हूं, कि जैसी हमारी मनोदशा होती है ना, मन की स्थिति हो जाती है, तो वैसा फिर हमें कई बार आभासित होने लगता है। हम अपने मन का ही एक कल्पना का भगवान बना लेते हैं, जैसी जिसकी मनोदशा है। भगवान की तो बात छोड़ो, लोग तो भूत प्रेत भी बना लेते हैं। एक व्यक्ति, एक कोई अपने यहाँ कोई ब्रह्मचारी पढ़ते थे, और वो यहाँ भी मतलब ऐसे रोगी सा हो गया था, तो फिर उसको ऐसे ही वो आंख बंद करके कभी घूमता रहता, कहीं भी जाके बैठ जाता, कुछ मतलब ऐसा एक उसका नॉर्मल जीवन नहीं था। तो फिर उसको घर भेजा, वो यहाँ आने से पहले भी मानसिक रोगी ही था। यहाँ इसलिए भेजा था परिवार वालों ने कि शायद कुछ सुधार हो जाए, फिर यहाँ और ज्यादा बढ़ गया ये सब सुन सुन के। तो उसकी हालत ऐसी हो गई, तो फिर मेरे पास फोन आया, बोले आप जो है ना उस मेरे मन में घुसे हुई हैं, मेरी आंख में घुसी हुई हैं, मेरे कान में घुसी हुई हैं, मेरा तो जीना ही ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब मैं तो जिंदा हूं, अब मैं यहाँ रहते हुए उसके कान में कैसे घुस सकती हूँ बताओ। तो ये क्या है, मन का प्रक्षेप है ना ये, ऐसी मतलब किसी भी एक व्यक्ति का या वस्तु का बार बार चिंतन करेंगे तो हमें लगता है कि मतलब उसके साथ हमारा तदाकार हो जाता है। फिर योग दर्शन में है ना वो समापत्ति, समापत्ति क्या है, समापत्ति क्या है, तदाकार कारी तो नहीं, सूत्र क्या है, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता, ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य में तत्स्थ तदंजनता, ये जो है तदाकार कारिता, ये समापत्ति है। तो ऐसे हो जाता है। तो ये कई बार जो है ना ऐसा नहीं है, मतलब जैसे भूत प्रेत योनि है तो उनका शास्त्र प्रमाण वो योनि होती है, सांख्य दर्शन में भी है, सांख्य कारिका में भी है, वो योनियां होती हैं। मानुष योनि भी है, वो तो है ही हम सब, दैव योनि भी है, कीट पतंग योनि भी है, जलचर योनि है, नभचर भी हैं, थलचर भी हैं, तिर्यक भी हैं, ये सब योनियां तो हैं ही वहां पे, 10 प्रकार की योनियां बताई हैं। तो उनका है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपने मन का ना ऐसा बहुत ज्यादा जब उसमें खो जाता है तो कई बार वो उसको भ्रम भी हो जाता है। तो अब उसके बारे में देखो, कोई भी बात जब तक हमने परीक्षण नहीं किया उसके बारे में हम कोई एक निर्णय नहीं दे सकते हैं कि रावण ने क्या तपस्या की होगी, उसके सामने क्या प्रकट हुए होंगे, ना तो रावण हमें मिले जो उनसे पूछ लें उनका अनुभव। अब जो उसके बारे में लिखा है वो वही अनुभव है जो उनको हुआ था, या उसमें भी कुछ प्रक्षेप है, या जो लिखा है वो किसने किस आधार पे, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या उपदेश दिया, अग्नियों ने उपकोशल को क्या उपदेश दिया, प्राण और क्या दिया, कम ब्रह्मा खम ब्रह्म, कितना प्रसिद्ध उपदेश दिया था आप तो भूल गए। ये बहुत बड़ा उपदेश है, याद रखने योग्य है ये। अग्नियों ने क्या कहा था, प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, जो कम है वही खम है, जो खम है वही कम है। तो जहां जहां भी सुख
दिखाई देता है संसार में वो सब किस में आ जाता है, कम में। तो वो क्या है, ईश्वर का ही रूप है वो। तो इसलिए जो जैसे कोई बालक है तो उसको अपने माता पिता के पास, अपने गुरु के पास, अपने मित्र के पास, या कोई शादीशुदा है तो पति पत्नी के पास, या कोई बच्चे वाले हैं तो अपने बेटे बेटियों के साथ। तो इस तरह से जो संसार में सुख मिलता है, सुख मिलता है तभी तो मतलब ये संबंधों में लोग उलझे रहते हैं। तो भले ही वो अनित्य सुख है, अशाश्वत सुख है, लेकिन सुख तो है वहां पे। सुख ना हो तो कोई भी नहीं रहेगा। तो ये जो सुख है ये भी क्या है, ईश्वर का ही अंश है उसमें। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये संसार हमें फंसाने के लिए नहीं है, ब्रह्म की तरफ ले जाने के लिए है। वहां से शुरुआत होती है। जो माता पिता का एक सुख है, गुरुजनों का एक सुख है, वो सुख तो है लेकिन वो शाश्वत नहीं है, अनित्य है और अल्प है, वो भूमा नहीं है, लेकिन वो भी उसी का ही रूप है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सब में क्या रखो, ब्रह्म भाव रखो। उनके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं रखना, उनके प्रति कोई उपेक्षा या द्वेष का नहीं रखना कि भाई हम माता पिता गुरुजनों से अपने साथियों से अगर प्रीति पूर्वक रहेंगे तो हम कहीं निश्रेष के मार्ग से भटक जाएंगे, तो हमें इनसे बात भी नहीं करनी है, इनसे घुलना मिलना भी नहीं है। तो इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफा भाव जो है ना, आधा अधूरा सत्य, तो वो फिर हमें पूर्ण तृप्ति नहीं दे पाता है। तो हमारे यहाँ हमेशा यही बात हुई, अभ्युदय निश्रेष दोनों का बैलेंस। क्योंकि अगर केवल निश्रेष का पथिक है तो फिर उसमें संभावनाएं हो जाती हैं कि पता नहीं कब संसार के सुख उस व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी यदि भ्रमित कर दिया तो वो व्यक्ति फिर वहां से वापस आ जाएगा, और इस सुख को वो कभी भी फिर ब्रह्म का सुख तो मानेगा ही नहीं, संसार का मान के फिर वो उधर से कट ऑफ हो जाएगा। तो उसको फिर पतन कहते हैं। और जो पहले से ही दोनों को ही लेके चल रहा है, जिसने संसार को कभी निंदित दृष्टि से देखा ही नहीं, अपने माता पिता भाई बंधु या गुरुकुल में रहते हैं तो अपने सहपाठी या अपने काम करने वाले हैं जो भी नौकर चाकर, उन सब में भाव एक ही रखा, व्यवहार तो अलग अलग होगा। अब घर में नौकर है तो नौकर के साथ नौकर जैसा व्यवहार होगा, पिता के साथ पिता जैसा व्यवहार होगा, भाव दोनों में एक हो सकता है, लेकिन ब्रह्म भाव, प्रीति का भाव अंदर से कि भाई ये भी इंसान है। ऐसा नहीं कि मतलब जो नौकरी करते हैं बेचारे गाड़ी चलाते हैं या घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करते हैं, तो ये थोड़ी है कि उनमें आत्मा ही नहीं है। तो जैसा उनको भी हमें एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखना चाहिए, अंदर से व्यवहार तो अलग होगा, भाव उनके प्रति भी सम्मान का और ब्रह्म भाव ही होना चाहिए। तो जो ऐसे लेके चला है तो उस व्यक्ति को मान लो एक समय विशेष में इन सब को छोड़ के उसको आश्रम में जाना पड़े या कहीं एकांत में जाना पड़े तो वो कभी भी इसमें भटकेगा नहीं फिर, क्योंकि उसने दोनों को देखा ना, संसार में भी ब्रह्म भाव को देखा, इसी सुख को देखा, और इससे भी ऊपर निश्रेष वाले सुख को भी वो साथ साथ देख रहा है। तो इसके जीवन में हमेशा बैलेंस मिलेगा, इसके जीवन में बहुत कम चांस है गिरने के। एक तरफा जीवन है उसमें बहुत ज्यादा चांस है गिरने की, वो कभी भी ठोकर खाएगा। ऐसे ही जो अकेला इस मार्ग में चलता है केवल सांसारिक मार्ग में, तो उसने कभी शास्त्र का, गुरुओं का, किसी साधु संन्यासी का, ऋषियों का, धर्म का कभी सम्मान ही नहीं किया। हमेशा यही कहता रहा कि ये सब निठल्ले लोगों के काम है, ये सब आलसी लोगों का मार्ग है, ये मतलब उसकी निंदा करता रहा, जो भी शब्द प्रयोग किए हों उसने। और वो प्रशंसा किसकी करता रहा, धन की, ऐश्वर्य की, मकान की, सोना चांदी की, और उसी में लगा रहा वो। तो अब 50-60 वर्ष में जब उसने पूरा कमा लिया है, उसके पास कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है, तब उसको अंदर की जो अशांति है और अंदर जो शांति का अभाव है वो खलने लगता है फिर। और वो जो अंदर एक अधूरापन का भाव है, उस टेंशन में फिर उसको कोई ना कोई रोग भी लगता है।
और क्योंकि उसने ये सब कमाते हुए दिनचर्या भी ठीक नहीं रखी थी, तो उस कारण भी कोई ना कोई रोग उसको लग जाता है। तब फिर उसको इसकी याद आती है, तो फिर उसको ये धन ऐश्वर्य सब बहुत कड़वा लगने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी धन ऐश्वर्य को ब्रह्म समझ के या साधना समझ के तो कमाया नहीं, भोग समझ के इकट्ठा किया था। तो वो उसको बहुत बुरा लगने लगता है, उसको लगता है कि इस सब के बदले में अगर कोई मुझे आत्मिक शांति दे तो मैं देने को तैयार हूं। तो ये भी अधूरा रहा, ये भी अधूरा रहा। तो इसलिए यहां पर अग्नियां बहुत सुंदर उपदेश दे रही हैं उपकोशल को कि यो वही कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। तो सुख जहां भी दिखाई दे रहा है वहां वो भी वहां वहां आप ईश्वर दृष्टि रखो कि ये भी ईश्वर का ही एक अंश है यहां पर भी, लेकिन मुझे तो पूर्ण ब्रह्म को पाना है, एक अंश को नहीं पाना है, मुझे भूमा को पाना है, अल्प को नहीं पाना है, वो अलग है। लेकिन उसमें कभी भी निंदा ना करें, भगवान का जो विश्वमय रूप है उसकी निंदा ना करें। ये तो सब मतलब चेतन है आत्माएं, इसकी तो बात ही छोड़ो। हमारे यहाँ पर तो जो अन्न जैसी जो जड़ वस्तुएं हैं उनको भी ब्रह्म ही माना है। अन्नो वही ब्रह्म, अन्नम न निंद्यात, ऐसे ऐसे उपनिषद में ही आता है। अन्न की कभी निंदा ना करें, जल की कभी निंदा ना करें, सूर्य चंद्र की कभी निंदा ना करें, ऐसे प्रसंग आगे इसमें बृहदारण्यक में भी आएंगे, छांदोग्य में भी आएंगे। तो कण कण को ही भगवद में माना है वैदिक संस्कृति में। तो अग्नियों ने इसको कहा कि उपकोशल, जो एक ईश्वर का ये विश्वमय रूप है, ये सुख स्वरूप है, और दूसरा खम, खम मतलब आकाश, जो उसका अनभिव्यक्त रूप है, जो इस आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, जिसको विष्णु भी कहते हैं, विस्तृत व्याप्त धातु से जो बनता है, तो ये दोनों ही ब्रह्म के ही रूप हैं। प्राणम ह अस्मै तदाकाशम च ऊचुः, और निश्चय रूप से तो प्राण को ही उस आकाश का और इनका आधार मान। तो ये तीन चीजें बताई इन्होंने, तीन ब्रह्म के रूपों का उपदेश दिया। तो ये तो तीन सभी अग्नियों ने मिलकर के उपदेश दिया। अब एक एक अग्नि जिनकी ये उपासना कर रहे थे तो ये अलग से भी उसको उपदेश दे रही हैं। जिस घर में हम सेवा करते हैं तो एक तो फिर जैसे कोई नौकर है या घर में कोई कन्या होती है तो जब उसको घर से विदा करते हैं तो एक तो सामूहिक रूप से उसको जो दान दहेज देना है वो दे देते हैं, फिर बाद में उसकी माता अलग कुछ देती है पर्सनल, फिर उसके भाई या पिता ऐसे देते हैं ना। तो जैसे आपको यहाँ से किसी को जैसे मान लो समावर्तन करके, वहाँ यहाँ तो कोई भी जाने वाला नहीं है वैसे तो गुरुकुलों में जैसे समावर्तन करते हैं तो एक तो सामूहिक रूप से उसका कर दिया समावर्तन तो चले गए, और फिर कभी कभी उसके दोस्त अलग से उसको कुछ गिफ्ट देते हैं छोटी सी। तो इन अग्नियों की क्योंकि इन्होंने सेवा की थी तो अब अलग से ये अग्नियां उनको उपदेश दे रही हैं। अथ ह एनम गार्हपत्यो अनुशसास, पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति, ये एष आदित्य पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि स एव अहम अस्मि इति। तो अब इसको गार्हपत्य अग्नि ने अनुशसास उपदेश दिया। गार्हपत्य अग्नि वो है जो मतलब घर में हमेशा जलती रहती है। एक अग्नि को ना संचित करके रखा जाता है घर में और फिर उस अग्नि से ही लेकर के फिर दोबारा अग्नि जला करके उसको बोलते हैं वो जो पकाने वाली अग्नि है। ये गार्हपत्य अग्नि मतलब ये रक्षित अग्नि होती है घर की अग्नि, जो हमेशा कभी भी बुझने नहीं देते थे अपने यहाँ, ऐसी प्रथा थी। तो उसके कई कारण थे, एक तो दिया सलाई का तब तक आविष्कार नहीं हुआ था तो बार बार कौन पत्थर को रगड़ के या लकड़ी को रगड़ के अग्नि निकालेगा। तो एक बार अग्नि मिल आ गई घर में तो गोसे आदि लगा के फिर उसको राख से ढक के उसकी रक्षा की जाती थी, तो अगली बार उसी को सुलगा के फिर दोबारा अग्नि प्रदीप्त कर ली जाती थी। और ये परंपरा तो अभी तक थी, लगभग
40-45 वर्ष पहले तक भी हमने देखा घरों में ना गांव में वो अग्नि मांग के ले जाया करते। तो शायद जो ज़्यादा एडवांस गांव नहीं हैं, दूर दराज हैं, उनमें अभी भी ये प्रथा है कि वो रखते हैं, तो पड़ोसी भी ले जाते हैं वहाँ से अग्नि को मांग के। है जी, पर गैस अभी भी जिनके पास गैस नहीं है, मतलब जो दूर दराज के गांव हैं, तो कहीं मिल जाएगा आपको। पर हमने तो देखा इसको, गैस तो आ गई थी, लेकिन गैस केवल या तो कभी दूध गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए यूज किया जाता था। मतलब गैस आने के बाद भी ना वर्षों तक उसका खाना अच्छा नहीं माना जाता था, और गांव में अभी भी अच्छा नहीं मानते। एक ऐसी मानसिकता थी, बोले गैस के खाना खाने से गैस बनती है, तो वो कुछ उसमें सत्य भी है। तो गैस आने के बाद भी रोटी आदि सब उसी पे बनती थी, चूल्हे के ऊपर घर में। तो ये गार्हपत्य अग्नि है जिसको रक्षित करके रखा जाता है। अतः एनम गार्हपत्यो अनुशासास है। अब कौशल को गृह अग्नि ने उपदेश दिया। उसने क्या कहा, पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति, ये चार शब्द बोले। पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य, तो ये सारे क्या हैं, ब्रह्म के ही रूप हैं। ये एष आदित्य पुरुषो दृश्यते, उपकोशल ये जो सूर्य में तेरे को ब्रह्म का रूप दिखाई देता है, जो पुरुष दिखाई देता है, सो अहम अस्मि, वो मैं गार्हपत्य अग्नि ही हूँ। अर्थात गार्हपत्य अग्नि साक्षात सूर्य का ही रूप है। स एव अहम अस्मि, तो निश्चित रूप से जान ले मैं वही हूँ। तो तू एक तरह से ब्रह्म की ही सेवा कर रहा था। जब तू मेरी सेवा कर रहा था 12 वर्ष तक, तो ये पृथ्वी में भी जो पुरुष दिखाई देता है वो भी वही है जो सूर्य में है, और जो अग्नि में और जो अन्न में दिखाई देता है वो भी वही है। तो चार शब्द बोले इन्होंने, पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य। तो देखने में तो ये चारों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक ही ब्रह्म है। वो माने उसी ब्रह्म का ही, उस आदित्य में दिखने वाले ब्रह्म का ही एक रूप हूं मैं भी, ऐसे उसने कहा गार्हपत्य अग्नि ने। स यह एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवती सर्वम आयु एति जोग जीवती न अस्य अवर पुरुषाः क्षीयन्ते उपवयम तम भुंजामो अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्च य एतम एवं विद्वान उपास्ते। सह यह एतम एवं विद्वान, तो जो साधक इस गार्हपत्य अग्नि को भी ऐसा जानता हुआ, साक्षात ब्रह्म का ही रूप जानता हुआ, उपास्ते, इसकी उपासना करता है, माने उसके प्रति। नहीं तो ऐसे लगते हैं ना, कौन चूल्हा झाड़ फूंकता रहे, चलो हम तो जाके तपस्या करते हैं। तो आप जहां जाके जिस ब्रह्म की उपासना करोगे, ये झाड़ फूंक करने में भी वही ब्रह्म है, मतलब मुंह से फूंकते थे ना आग, तो इसमें भी वही है। यह एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पाप कृत्याम, तो वो पाप कृत्यों से अपहत हो जाता है, छूट जाता है, बुरे कर्मों से छूट जाता है। अब जो व्यक्ति मतलब हर जगह हर पल कदम कदम पे ब्रह्म भाव ही रखेगा, तो उसको पाप आएगा कहां से, चांस ही नहीं है पाप आने का। अपहते पाप कृत्याम और लोकी भवती, लोकी मतलब लोक वाला, लोकी सब्जी बनाने वाली नहीं कि लोकी बन जाता है। लोकी भवती मतलब लोक वाला, जब वो लोक में कण कण में ब्रह्म भाव रखेगा तो फिर वो उस लोक का एक तरह से मालिक बन जाता है। अपहते पाप कृत्याम लोकी भवती सर्वम आयुः एति, और वो पूरी आयु को प्राप्त करता है, अल्प आयु में नहीं मरता है। क्यों, इसका आयु का क्या संबंध है, क्योंकि जब वो सब जगह अग्नि आदि में भी उस ब्रह्म को देखेगा, तो पूरे दिन ब्रह्म का दर्शन करते करते मन कैसा रहेगा, प्रशांत रहेगा,
और मन जितना प्रशांत रहेगा तो श्वास भी प्रशांत रहेगी, श्वास जितनी लंबी और गहरी और प्रशांत होगी उतना ही लंबा जीवन भी होगा, तो आयु बढ़ती है इससे। और जितना मन अशांत होगा, तनाव युक्त होगा और इसको घृणित दृष्टि से देखेगा कि इसको छोड़ के कहाँ भाग जाऊं और भाग सकता भी नहीं हूं, घर की जिम्मेदारियां हैं, इस तरह से जो तनाव में टेंशन में रहेगा घर में रहते हुए, तो उसका मन अशांत होगा। मन अशांत होगा तो उसके खून में बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा हो जाएंगे, उसकी श्वास भी थोड़ी सी उखड़ी हुई रहेगी, लंबी नहीं होगी, तो फिर उसकी आयु कम हो जाती है। तो मनुष्य जीवन की औसत आयु मिलती है हमें जन्म के साथ, लेकिन वर्षों की काउंटिंग में हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह का हम जीवन जीते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं।